आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। आज मैं आपको बलिया में स्थित भृगु बाबा के आश्रम के दर्शन कराने वाली हूँ। बहुत ही प्राचीन आश्रम है, यहाँ पे गंगा मैया, भृगु बाबा और दद्दर मुनि का मंदिर है और शंकर जी का भी एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यहीं पे भृगु बाबा को अपने श्राप से मुक्ति मिली थी, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या किया था गंगा जी का, और बलेश्वर मंदिर का भी निर्माण भृगु बाबा ने ही किया था। तो बलेश्वर मंदिर का मैं किसी दिन और दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत सा आश्रम है और काफी दूर में है ये। ये दद्दर मुनि का समाधि स्थल है और यहाँ भृगु बाबा और गंगा मैया की मूर्ति है, गंगा मैया के साथ है मूर्ति। तो दर्शन कीजिए आप लोग भी। तो और भी कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे, जैसे दुर्गा जी का, हनुमान जी का और कई साधु संत लोगों का जो जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर यहाँ चित्रगुप्त मंदिर है और शंकर जी का भी मंदिर है जो थोड़ी देर में आप देख लेंगे इसी वीडियो में है। और यहाँ पे हमेशा ही मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं, शादी ब्याह देखा देखी, जैसे लड़कियों की शादी के लिए देखना होता है वो कार्यक्रम भी यहाँ पे होता रहता है। और भी कई शुभ कार्य यहाँ, मुंडन, जनेऊ, ये सब भी होते रहते हैं, हमेशा कथा भी होता रहता है और बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर में आके। इस मंदिर की कथा ये है कि भृगु बाबा यहाँ पे कैसे आए, तो भृगु बाबा आए थे जब उन्होंने विष्णु भगवान के सीने पे प्रहार किया था पैर से, और उन्हें लगा कि मुझसे कुछ पाप हुआ है, तो उन्होंने अपनी प्रायश्चित का मार्ग पूछा। तो भगवान ने उन्हें एक छड़ी और एक माला दी थी और बोले थे कि जहाँ ये आपकी छड़ी और माला हरा हो जाएगा वहीं पे आपको अपने पाप से मुक्ति हो जाएगी। तो भृगु बाबा कई जगहों पे तपस्या करते आए गंगा के किनारे किनारे, और जब वो बलिया में आए तो उनकी छड़ी और माला दोनों ही हरा हो गया। तो तभी यहीं पे वो तपस्या करने लगे और यहीं पे अपना आश्रम बना लिए। भृगु बाबा ने ही बलेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बोलो भृगु बाबा की जय।